हे एवरी वन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक जैकेट का रिव्यू जो कि है मेरे पास यहाँ पे। सो यस गाइज, इस जैकेट को जो है वो आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैंने इसे पहना था। सो आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि ये कैसी है, और ये आफ्टर वॉश रिव्यू होने वाला है। सो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। सो गाइज, ये जो जैकेट है इसे मैंने परचेज़ किया था मिंत्रा से, ठीक है। मैं आपको इसका एक बार दिखा देती हूँ फुल जैकेट। ये जैसे कि आपने देखा होगा, ये काफ़ी प्रिटी लग रही थी पहनी हुई, मैंने कुछ वीडियोस में डाली है ये। सो देख सकते हैं काफ़ी प्रिटी जैकेट है, और मिंत्रा से परचेज़ किया मैंने इसे। ये है फोर्ट कॉलिंस की, इसका ब्रांड नेम जो है वो है फोर्ट कॉलिंस, ठीक है। सो वन बाई वन इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कलर के बारे में बात करें, तो आपको ये थोड़ा सा रेड सी शेड में दिख रहा होगा, लेकिन ये प्योरली मैरून कलर है, मैरून कलर में है। और इसमें एक कैप भी दी गई है जिसके यहाँ पे एक टिक वाला बटन बोलते हैं इसे, टिक वाला बटन भी दिया गया है, ठीक है। और ये कैप जो है वो रिमूवेबल है, एज यू गाइस कैन सी यहाँ पे इसके एक जिप दी है, ठीक है। तो आप इस जिप की हेल्प से जो है वो इसे रिमूव कर सकते हैं पूरा, अगर आप कैप नहीं लगाना चाहते हैं। बात करें इसके फैब्रिक की, या मतलब क्या ये गर्म है या नहीं है, तो ये काफ़ी सही है, ठीक है। अगर आप शिमला जैसे एरिया में रहते हो तो आपको अंदर और भी स्वेटर वगैरह डालनी पड़ेगी, ठीक है। बट जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर, तो अगर मैं अंदर स्वेटर वगैरह ना भी डालूं तो भी ये जैकेट जो है वो काफ़ी वॉर्म है, काफ़ी अच्छी है। जहाँ पे स्नो वगैरह गिरती है वहाँ पे तो आपको स्वेटर वगैरह की ज़रूरत एक्स्ट्रा पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे स्नो नहीं गिरती है, नॉर्मल ठंड होती है, हाई लेवल की ठंड होती है, वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वॉर्म है। इसके यहाँ जो है वो एक जिप प्रोवाइड की गई है मैरून, एंड इसके ये भी है, इसके बीच में जो ये कलर है नेवी ब्लू, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब नेवी ब्लू और इसका मैरून का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। जिप है, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं इसे कब से वेयर कर रही हूँ, ठीक है, कितना टाइम हो गया मुझे इस जैकेट को वेयर करते हुए, तब आप समझोगे कि काफ़ी वर्थ है ये और काफ़ी सही जैकेट है, ठीक है। जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर इसके पॉकेट्स हैं, ठीक है, एक ही पॉकेट है, एक यहाँ पे पॉकेट दी गई है, और दो पॉकेट्स जो हैं वो इसके यहाँ साइड में प्रोवाइड की गई हैं जिनको जिप लगी है, ठीक है। सो ये काफ़ी अच्छी है, तो दोनों साइड पॉकेट्स हैं और दोनों साइड ही जिप लगी हुई है, ठीक है। ओवरऑल जो है जैकेट बहुत अच्छी है। स्लीव्स की बात करें, फुल स्लीव्स है, एंड आगे कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं इसका कपड़ा कुछ डिफरेंट है। और कैप पे एक जो है वो ये फर लगी हुई है, काफ़ी फिटी लगती है जो गर्ल्स पे है ना। बात करें साइज़ की एंड फिटिंग की, तो मैंने इसे परचेज़ किया था एम साइज़ में, आई थिंक और साइज़ अवेलेबल नहीं होगा तभी मैंने एम में परचेज़ किया है। एंड मैंने इसे परचेज़ किया है काफ़ी साल पहले मिंत्रा से, ठीक है। काफ़ी साल मतलब कुछ साल हो गए मुझे, एग्जैक्टली पता नहीं है, याद नहीं है कि मैंने इसे कब जैसे लिया था, बट बहुत सही जैकेट है, हर साल मैं इसे पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, और काफ़ी सही रही, कुछ भी इसमें ख़राब नहीं हुआ, ना इसकी जिप ख़राब हुई, ना कोई भी इसका मतलब कपड़ा भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बहुत अच्छी है। सो पर्सनली मुझे ये जैकेट जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, आपको रेड रेड दिख रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल प्योरली मैरून शेड है, ठीक है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो इसका जो प्राइस है MRP जो है वो 2300-2400 है। मैंने इसे परचेज़ किया था 1862 रुपीज़ में, यस गाइस। सो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। अगर आप भी एक अच्छी जैकेट लेना चाहते हैं विंटर्स के लिए, तो फॉर श्योर ये अवेलेबल शायद ना हो, मैंने देखा था आउट ऑफ स्टॉक थे अभी, शायद वापस आ जाओ, ये आई डोंट नो आएगी या नहीं आएगी, बट इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि मैंने इसे मिंत्रा से परचेज़ किया, तो लिंक जो है वो मैं वहाँ से ले सकती हूँ, मैंने खोला था इसे तभी मैंने इसका प्राइस एक बार दोबारा से देखा। सो आप फॉर श्योर फोर्ट कॉलिंस की जैकेट जो है वो एक बार ले के देख लें, काफ़ी अच्छी जैकेट्स होती हैं फोर्ट कॉलिंस की। सो यस गाइस, ये तो था मेरा आज का रिव्यू, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा हो। सो अगर आपको मेरा ये रिव्यू जो है वो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।